दो विषयों में 12वीं फेल, नीट में 705 नंबर, छात्रा की वायरल मार्कशीट पर एनटीए ने दिया ये जवाब। क्या जवाब दिया उन्होंने, सबसे पहले वही जान लेते हैं। सोशल मीडिया पर सभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठा रहे थे कि जो छात्रा 12वीं में फेल हो वो नीट जैसे टफ एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल इस मार्कशीट को लेकर अब एनटीए का स्पष्टीकरण सामने आया है। एनटीए ने कहा है कि अगर कैंडिडेट ने 12वीं पास ही नहीं की है तो वह एडमिशन लेने की पात्र नहीं होगी। पात्रता शर्त यही है कि उम्मीदवार के पास 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ में दोस्तों उन्होंने यह भी बोला कि जो 12वीं फेल है वो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकती है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है लास्ट में एक चीज़ और बोली गई है कि एनटीए के खिलाफ जो याचिका दायर हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार आ गई है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मेडिकल छात्रों का आंदोलन जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम के लिए इनकार कर दिया है। साथ ही अगली सुनवाई में एनटीए का पक्ष भी सुना जाएगा। तो दोस्तों एनटीए तो अपना पक्ष जब देगी तो वो अपने तरीके से सफाई देगी और सभी जो है आंसर गोल मोल करके दे देगी दोस्तों। लेकिन अभी जो हमारा रीनीट को लेकर जो हमारा केस था वो थोड़ा ढीला पड़ गया, क्योंकि एनटीए ने जो सफाई दी है उससे जो है सुप्रीम कोर्ट में तो उसे एज ए सबूत देखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताना जरूरी होगा कि ये जो उन्होंने आंसर दिए हैं उनमें से जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं वो कोई भी नहीं है, और उन्होंने जो आंसर दिए हैं उससे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। साथ में दोस्तों एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए क्या है, जो एलन के डायरेक्टर हैं महेश्वरी सर, वो हमारे साथ आ गए हैं, स्टूडेंट्स के साथ हैं। अगर दोस्तों वो खड़े रहे हमारे साथ तो हम जो है ये केस जीत जाएंगे और रीनीट जो है हम करवा कर रहेंगे, या फिर दोस्तों जो रिजल्ट में गड़बड़ी है, इतना बड़ा घपला हुआ है, इसको जो है ठीक किया जा सकता है। बाकी आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।